हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चले बच्चे, फटाफट ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, मैंने आप लोगों को जो है लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि लास्ट वाले लेक्चर में आखिर हम लोग क्या किए हुए थे, कैसे तबाही मचाए हुए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। वो हम लोग पहले जो है थोड़ा सा रिविजन के तौर पर हम लोग बात कर लेते हैं कि अक्सर ऐसा क्या चीज हुई थी वहाँ पे। तो मैं आपको बताऊँ बेटा, हम लोग सबसे पहले मेथड के अंदर बात किए हुए थे। हमारे पास जो चार मेथड थे कॉन्सेंट्रेशन के, मतलब ऐसा के सांद्रण के, हमारे पास चार तरीके थे। उस चार तरीकों में से हम लोग पहले जो लेक्चर के अंदर, मतलब सेकंड लेक्चर के अंदर बच्चे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो है ओर्स के जो गुरुत्वीय पृथक्करण है और जो चुंबकीय पृथक्करण है, ये दो मेथड अपन लोग किए हुए थे। अब बच्चे लास्ट वाला जो लेक्चर जस्ट एक्जैक्टली अभी लेक्चर नंबर थ्री की मैं बात करूं, तो लेक्चर नंबर थ्री में बच्चे हम लोग दो मेथड जो एक पढ़े हुए हैं। पहला जो मेथड था बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक लेवल पर इंपॉर्टेंट मैं बात करूं बेटा, तो वो आपके लिए क्या होगा, झाग उपलवन विधि। झाग उपलवन विधि बेटा वो आपको जो है करके ही जाना एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो वो विधि हम लोग किए हुए थे। उसके बाद बेटा प्रक्षरण की बात हुई थी, जिसे हम लोग लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो समझ आया सारे बच्चों को। इस प्रकार से बच्चे हम लोग ऐसो का सांद्रा वाला जो पोर्शन था वो पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म कर चुके थे। अब हमारे पास दो टॉपिक बचे हुए बच्चे, यहाँ से दो टॉपिक तो हालांकि बचा हुआ, लेकिन इसके अंदर सब टॉपिक्स भी है हमारे पास, ठीक है। उस सब टॉपिक्स की मैं बात करूं तो बच्चे यहाँ पे अपन बात करेंगे उसको का जो निष्कर्षण होता है, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स की मैं बात करूं तो हम लोग के पास जो है बुक्स के अंदर बहुत सारे एक्सट्रैक्शन दिए हुए हैं, मतलब कॉपर का एक्सट्रैक्शन, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, आयरन का एक्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें दी हुई। लेकिन बच्चे हम जो है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो बच्चे आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो एक्सट्रैक्शन जो है रिपीटेडली पूछा गया है। वो कौन कौन से बच्चा, ध्यान से देखो, ठीक है, वो कौन कौन सा है, जो Fe है, जो आयरन है बच्चे, सॉरी आयरन नहीं, ठीक है, आयरन को नहीं पूछा गया ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस का जो है वो आता है बच्चा, ब्लास्ट फर्नेस का जो प्रोसेस आता है यहाँ पे आयरन के एक्सट्रैक्शन में पूछा जाता है, ठीक है। वो यहाँ पे जो है मैक्सिमम टाइम नहीं पूछा गया, जो हमको जो है बोर्ड के एग्जाम से मैक्सिमम टाइम में पूछा गया है, मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ सारे बच्चों के लिए। तो वो जो है बच्चे एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के ऊपर बात किया गया है और कॉपर के एक्सट्रैक्शन के ऊपर, किसके ऊपर, कॉपर और एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के ऊपर बात किया गया, निष्कर्षण के ऊपर बात किया गया। तो हम लोग बच्चे आज इस लेक्चर के अंदर एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन देखने वाले हैं। एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन बहुत ही मक्खन तरीके से कराऊंगा बच्चे, बस आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारे प्रोसेस आपको जो है इजीली समझ आ जाएंगे, क्लियर है सारे बच्चों को। चलिए बच्चे यहां पे देखते हैं एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं प्यूरिफिकेशन कराऊंगा, उसके बाद ये पूरा लेक्चर जो है खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए देखते हैं फटाफट एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, मतलब हमारा एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण होता है वो कैसे होता है, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। देखो बच्चा, बहुत ज्यादा ये जो निष्कर्षण का जो प्रोसेस है बेटा, बहुत ज्यादा ये बच्चे यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम कौन-कौन से ऐसे प्रोसेसेस इस पे यूज करें, कौन कौन से ऐसे मेथड लगाएं कि जिससे एल्यूमिनियम जो है इजिली जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, शोधित हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चे आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें यहां पे करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे, मैंने बोल दिया सिर्फ और सिर्फ, तो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। देखो भाई साहब, यहां पे क्या था, हमारे पास सबसे पहले क्या बच्चा, बॉक्साइट, ठीक है। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो सारे बच्चों को यह क्लियर होना चाहिए कि एल्यूमिनियम बच्चा मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है। क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट, मैंने यहां पर लिख देता हूं बेटा, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है बेटा। धातु की मैं बात करूंगा तो दुनिया में धातु के मामले में बेटा एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट जो है बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। क्या है, एल्यूमिनियम। आप जब ये जब घर में देखोगे, अपने जो घर में जाके देखोगे तो घर में सारे बर्तन है, ठीक है, सारे जो खिड़की होगी, खिड़की के जो फ्रेम होते हैं, ठीक है, यहां तक दरवाजे जो होते हैं सारे एल्यूमिनियम के ही बनते हैं। तो आप लोग को पता है बच्चा एल्यूमिनियम का कितना यूज है, ठीक है, इसमें ऊपर बात नहीं करें। यहां तक खाने में जो किचन में यूज करते हैं बेटा, फॉइल्स यूज करते हैं अपन, जो पन्नी यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका भी क्या होता है, वहां पे क्या है, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो एल्यूमिनियम जो है मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है। और जो अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एलिमेंट की बात करूं बच्चे, तो एलिमेंट के मामले में जो है ये, ठीक है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट मेटल। एलिमेंट की बात में कैसे थर्ड आएगा सर, क्योंकि बच्चे एलिमेंट की जब बात करते हैं ना, तो वहां पे 118 तत्वों को गिना जाता है, किसको, 118 तत्वों को गिना जाता है, इसीलिए क्या है बच्चे ये थर्ड नंबर पे आता है। लेकिन मेटल की बात कर दिया जाए तो भाई ये तो राजा है, ठीक है, ये राजा है, क्या है, इसका पहला नंबर आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये पूरा ओवरऑल भी अर्थ क्रस्ट में 8% क्वांटिटी रखता है पूरा ओवरऑल, ठीक है। अगर मैं इसको जो है अच्छे तरीके से और जानना चाहूं तो सबसे जो है इसका जो ओर होता है प्यारे बच्चे, ठीक है, एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो क्या होता है, बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चे, ठीक है, L2O3, ठीक है, यहाँ पे N हो या फिर X हो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो L2O3 प्लस NH2O मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, समझ आया सारे बच्चों को। तो इस प्रकार से बच्चे क्या होगा, हमारा बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ओर है, ये मैंने आपको कराया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, कभी भी आप भूलना नहीं बच्चे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये,
समझ में आया सारे बच्चों को? अब देखो ये बॉक्साइट को जब क्या करेंगे बेटा, बॉक्साइट से अपन को इसको एलुमिना में कन्वर्ट करना होता है। बॉक्साइट को जब जो हमको जो है एलुमिना में कन्वर्ट करना होता है, मतलब कि भाई सिंपल सी बात है, एलुमिना का जो फॉर्मूला लिखवा दूं तो Al2O3 है, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो हमारा वाटर के जो क्रिस्टलाइजेशन है यहाँ पे, ठीक है, वाटर के जो क्रिस्टल्स है, वाटर के जो मोल्स है बेटा, वही यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो उसको निकालने की जो प्रोसेस होती है बच्चे, उसको अपन बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। क्या बोलेंगे बच्चा? बेयर्स प्रोसेस, ठीक है, बेयर्स प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में सब में एक ही नाम रहता है भाई, बेयर्स प्रोसेस, ठीक है, बेयर प्रक्रम बोलेंगे, क्लियर बात है, ठीक है, बेयर प्रक्रम, बेयर प्रक्रिया, ठीक है। इस प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बॉक्साइट है इससे एलुमिना में कन्वर्ट करेंगे। किसी में बच्चा ये फ्लो आप लोग को याद रखना है बच्चे, इसी फ्लो से ही आपको जो है सारी चीजें क्लियर होगी, क्लियर होगी, मैंने बोला ना भाई क्लियर होगी, तो क्लियर होगी ही होगी, ठीक है, समझ गया हुआ। एलुमिना में कन्वर्ट होगा, जिसका नाम होता है बेटा Al2O3, क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखो जो एलुमिना है, एलुमिनिया से बच्चे हम लोग एक प्रोसेस लगाएंगे, जिस प्रोसेस का नाम होता है हॉर हेरॉल्ट। क्या बच्चा? हॉल हेरॉल्ट प्रोसेस, ठीक है, जो आप लोग के बुक के अंदर बेटा ये हॉर हेरॉल्ट प्रोसेस दिया हुआ है, लेकिन कौन से नाम से? विद्युत अपघटन, ठीक है, एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटनी विधि ऐसे करके दिया गया, ठीक है। हॉल जो हेरॉल्ट प्रोसेस है बेटा, इसके अंदर जो है हम लोग विद्युत अपघटनी जो प्रोसेस होता है उसका यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, समझ में सारे बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे हॉर हेरॉल्ट प्रोसेस आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है, बेयर्स प्रोसेस आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद जब क्या हुआ, हमारे जो एल्यूमिनियम जो एल्यूमिना से जो है क्या होता है, प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम होता है बेटा वो 99% क्या होता है, प्योर होता है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग ह्यूमन जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमको थोड़ा सा भी 99%, लेकिन हमको और प्योर चाहिए रहता है, 99.99% चाहिए रहता है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या कर देते हैं, एक प्रोसेस लगाते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग हुप्स प्रोसेस। क्या बोलेंगे बच्चा? हुप्स प्रोसेस, ठीक है। तो अपन को ये तीन प्रोसेस आपको याद रखना है, ठीक है, इससे जो क्या होगा हमको 99.99% क्या हो जाएगा, प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा, ठीक है, समझ आए सारे बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे हुप्स प्रोसेस की बात करेंगे, लेकिन भैया आपके जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे दो ही प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसी दो प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहला जो प्रोसेस होने वाला है प्यारे बच्चे, उसका नाम जो होता है वो हमारा जो है बेयर्स प्रोसेस, मैं ये कराने वाला हूँ अभी, ठीक है, उसके बाद बच्चा हॉर हेरॉल्ट प्रोसेस में कराने वाला हूँ, क्लियर है सारे बच्चों को। तो चलिए बच्चे हम लोग पहला प्रोसेस के ऊपर जाते हैं, जिसका नाम बेयर्स प्रोसेस, ठीक है, अपने कॉपी के अंदर जबरदस्त तरीके से हेडिंग लगा दीजिएगा बेयर्स प्रोसेस का, ठीक हो। अब देखो बेयर्स प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तो बेयर्स प्रोसेस के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो है की पॉइंट्स होंगे जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम्स में जब आए क्वेश्चन तो लिख के ही आना है। क्या करना है बेटा? लिख के आना, भूलना नहीं है, ठीक है, भूलना नहीं है भाई, ठीक है, भूलोगे तो भाई आपके नंबर भी भूल जाओ, ठीक है, भूलोगे तो नंबर्स भी भूल जाओ कि यहां पे नंबर मिलने वाले, ठीक है। देखो चलिए बच्चे बेयर्स फार्मूला के बारे में बात करते हैं कि आखिर बेयर्स फार्मूला में हम जो है बॉक्साइट को, ठीक है, बेयर्स फॉर्मूला से हम लोग जो है बॉक्साइट को जो है कैसे क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसके बारे में अपन जो यहाँ पे बात करने वाले सारे बच्चों के लिए। तो सबसे अगर मैं पहले बात करूं बेटा, आप लोग हेडिंग लगा देना बेयर्स फॉर्मूला, ठीक है, बेयर्स फॉर्मूला नहीं भैया, बेयर्स प्रोसेस, ठीक है, फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, बेयर्स प्रोसेस बोलेंगे। तो आप लोग को ये याद रहना चाहिए बेयर्स प्रोसेस में क्या होता है बेटा, बेयर्स प्रोसेस में क्या होता है, बॉक्साइट का हम लोग एलुमिना में चेंज करते हैं, किसमें? बॉक्साइट का एलुमिना में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हमारे जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे बॉक्साइट से क्या होता है अपन को पता है, ठीक है, Al2O3 XH2O जो भी हो सकता है बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो Al2O3 XH2O यहाँ पे होगा जो बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। इस बॉक्साइट को अपन लोग एलुमिना में चेंज करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 या होता है Al2O3 होता है, इसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बेयर्स फॉर्मूला बोलेंगे, बेयर्स फॉर्मूला नहीं, वापस से मैं बोल दिया, गलत हो गया, ठीक है, बेयर्स फॉर्मूला नहीं बोलेंगे बच्चे, क्या बोलेंगे, बेयर्स प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों। इस प्रोसेस के अंदर आखिर होता क्या है सर, उसके बारे में अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, देखो ध्यान से सुनते रहना, बॉक्साइट का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, और कॉन्सेंट्रेशन का फंडा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चा, ठीक है। हम लोग क्या होते हैं, जब लीचिंग पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो एल्यूमिनियम है उसका जो है क्या होता है बेटा, मैं बेयर्स फॉर्मूला में बताऊंगा, तो ये मौका बेटा आपके पास आ गया कि ये समझने के लिए, ठीक है, क्या होगा एल्यूमिनियम जो होगा क्या होगा, बेयर्स प्रोसेस से, बेयर्स विधि से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, ठीक है। देन उसके बाद बेटा बॉक्साइट का क्या होगा, उसको हम तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, उसके पूरा मरोड़ देंगे, थोड़ा खत्म करेंगे, पीस देंगे, उसके बाद पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के बाद प्यारे बच्चे उसको क्या करेंगे, अपन लोग गर्म करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद बच्चे हमको क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, Na NaAl
O3 फॉर्मूला होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पता है अपन को बचपन से, तो पढ़ते आ रहे इसी को, ठीक है, क्या है NaOH, इससे रिएक्ट करा देंगे तो हमको मिलेगा NaAlO3 मिलेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? सारे बच्चों को ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि कैसे प्रोसेस हो रही है। बस ये चीजें आप लोग याद रख दो तो भाई आपका बेयर्स प्रोसेस जो है एकदम ईजी हो जाएगा। समझ आ रहा है सारे बच्चों को? चले देखते हैं अब, ठीक है। अब जो इससे क्या करते हैं, जो मिनरल होगा हमारा जो AlOH3 क्या बनेगा, एक अवक्षेप बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, निचल में सेटल डाउन हो जाएगा। अब फिर इस जो है AlOH3 को हम लोग क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, मतलब उससे वाटर जो रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल उसको हम लोग निकालेंगे तो हमको जो है प्योर एलुमिना मिल जाएगा। क्या बच्चे? एलुमिना मिल जाएगा। उस एलुमिना को हम लोग जो है क्या करेंगे बच्चे, उसके बाद जो है हम लोग हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में क्या करेंगे, एल्यूमिनियम में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये प्रोसेस इस तरीके से करने वाले हैं। अब देखो बच्चे ध्यान से सुनते रहना, ये प्रोसेस जो है इस भट्टी के अंदर कैसे काम करता है, इसको जो है एक संयंत्र के अंदर कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनते रहना बस। अपन यहां से डालेंगे बेटा, क्या डालेंगे? बॉक्साइट डालेंगे। इस कंटेनर को ध्यान से देखना, यहां पर डालेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या करेगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और हमको क्या बनाएगा बच्चा, हमको देगा क्या देगा, सोडियम एल्यूमिनेट देगा, NaAlO3, ठीक है, NaAlO3 देगा। क्लियर है सारे बच्चों को? इस प्रकार से हमको सोडियम एल्यूमिनेट देगा, जो कि बच्चे हमको जो क्या करेंगे वहां से डिहाइड्रेशन, ठीक है, सॉरी डिहाइड्रेशन नहीं, हाइड्रेशन करेंगे हम, मतलब वहां से H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर वापस से मेरे को क्या मिलेगा बेटा, AlOH3 का प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा? प्रेसिपिटेट, अवक्षेप मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से मेरे को यहां पे मिलेगा बेटा, ठीक है, यहां पे मेरे को मिलेगा इस प्रोसेस में, ठीक है, यहां पे मेरे को मिलेगा AlOH3 का क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा, जिसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को? तो यहां पे AlOH3 का प्रेसिपिटेट मिलेगा, उस प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलग करेंगे, फिर उसके बाद मेरे को मिलेगा बेटा एलुमिना। क्या मिलेगा? एलुमिना, इसको अपन बोलते हैं एलुमिना, ठीक है, एलुमिना बोलेंगे, एलुमिना, ठीक है। क्लियर है सारे बच्चे? तो ये प्रोसेस आपके दिमाग में छप जाना चाहिए बच्चे, क्या है, पूरा छप जाना चाहिए, पूरा जो है एकदम इसको जो इमेजिन करते रहो। अब मैं इसके जो है केमिकल रिएक्शंस के ऊपर आता हूं। बच्चों को थोड़ा सा दुख होता है केमिकल रिएक्शन कैसे याद रखेंगे, सर ये फ्लो आप लोग याद रखेंगे ना तो केमिकल रिएक्शन आप याद कर लोगे भाई, ठीक है। देखो ध्यान से समझते रहना सारे प्रोसेस को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन जो है फटाफट कहते हैं एक जो है खाली पेज ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हो गई है खाली पेज की कमी, ठीक है। तो उसको जो है फिल करने के लिए देखो बच्चे यहाँ पे हम लोग ले खाली पेज, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अपन को चाहिए भैया बेयर्स प्रोसेस को समझना है, ठीक है। तो बेयर प्रोसेस को समझने के लिए अच्छे से हमको करना भी होगा, ठीक है। देखो ध्यान से अब हम रिएक्शन लिखते हैं फटाफट से। अब रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। अब रिएक्शन की मैं बात करूँ, RxN रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया रिएक्शन, अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया कैसे समझेंगे, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ क्या था भैया, हमारा जो बॉक्साइड था, हमारा बॉक्साइड इसको नाम लूंगा मैं Al2O3.xH2O, इस x के क्रम में मेनली आपको यहां पे यूज दिखेगा H2O, सॉरी 2H2O का, ठीक है। इस प्रकार से जब रिएक्शन होगा, ये हमारा बॉक्साइट का, बॉक्साइट किस पे, किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया और किसका फॉर्मेशन किया, सोडियम एल्यूमिनेट का, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला मैंने बताया NaNaAl O3, और क्या भैया इसके दो मोल क्रिएट होंगे, उसके बाद अच्छे हमको जो है यहाँ पे 3H2O जो है मिलेगा। इस प्रकार से क्लियर है सारे बच्चों को, ये है सोडियम एल्यूमिनेट। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, लिख नहीं रहा, ठीक है, भले ही आप इसको याद रखो, लेकिन सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब सोडियम एल्यूमिनेट के साथ क्या करेंगे बच्चे, सोडियम एल्यूमिनेट को अपन लोग डालेंगे, सॉरी, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट को अपन लोग जो है वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे फटाफट। देखो NaAl प्लस 2H2O के साथ फॉर्मेशन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहां से मिलेगा बच्चा क्या मिलेगा, AlOH3 प्लस, इस तरीके से मेरे को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। हमको यहाँ पे AlOH3 का प्रेसिपिटेट, इसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से इस प्रकार से दर्शाएंगे, तो प्रेसिपिटेट मिलेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे को मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इस हम जो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला हुआ है, ये कौन सा कलर का होता है बेटा, ये होता है व्हाइट, ठीक है, व्हाइट पीपीटी मैं बोल दे रहा हूँ, व्हाइट प्रेसिपिटेट मैं बोल दे रहा हूँ, क्लियर है सारे बच्चों को। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे AlOH3 को, AlOH3 को हम लोग करेंगे गर्म, ठीक है, हाँ हम लोग करेंगे गर्म, और गर्म करने से वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा, निकल जाते हैं, हमको पता है, ठीक है, गर्म करने से पानी जो होता है वो सोख लेता है ना, तो वही प्रोसेस है, सिंपल सी बात है। यहां से क्या होगा बेटा, H2O निकल जाएगा और प्लस मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे Al2O3 मेरे को इस तरीके से एलुमिना मेरे को मिल रहा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 2H2 ऐसे बात करेंगे, ठीक है। देखो तो इस प्रकार से बच्चे हमको पूरा का पूरा ओवरऑल जो इक्वेशन है वहां पे समझ आ गया कि भैया बेयर्स प्रोसेस के अंदर हम लोग कैसे इसको पढ़ते हैं। अब ये पूरा जब हमको क्या मिला, एलुमिना मिला Al2O3, ये मेरा क्या है एलुमिना। इस एलुमिना को अपन क्या करेंगे अब जो है हॉर हेरोल्ड प्रोसेस से, क्या करेंगे हॉर हेरोल्ड प्रोसेस का यूज करके एलुमिना
एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम निकालेंगे। समझ आया सारे बच्चों को? तो इस प्रकार से बच्चे पूरा प्रोसेस हुआ। ये आपके लिखने के तरीके के ऊपर मैं बात कर दिया हूं। अगर आपको इसको लिखना है, लिखते कैसे, तो बच्चे आप लोग इस प्रकार से पूरा का पूरा मेथड को लिख सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे बताया है वैसे आप लिख सकते हो, या फिर बच्चे आपको इस फॉर्मेट में ये जो है लिख रहा होगा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है। चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसके और कुछ कुछ जो है रिएक्शन से बेटा, ये रिएक्शन की स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो ये लो, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये जो रिएक्शन है कुछ कुछ उसके जो है इसकी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखो भाई बच्चे, हम लोग जो यहाँ पे पहला जो प्रोसेस था वो जो पूरा अच्छे तरीके से खत्म कर चुके हैं। अब बच्चे हमारा जो दूसरा प्रोसेस है, एलुमिना को हम लोग एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस के ऊपर आता हूं, ध्यान से सुनते रहना। इसके लिए अपन यूज करेंगे हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। क्या बच्चा? हॉल हेरोल्ट प्रोसेस के बारे में बात करूं, प्रक्रम के बारे में यहां पे बात करने वाला हूं। ध्यान से सुनते रहना, बस सारी चीजों को देखते रहना, ठीक है। अब देखो हॉल हेरोल्ट प्रोसेस में मैं क्या बात करूं, जो हमारा Al2O3, यहां पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है बच्चे, उसको आप लोग थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, ठीक है। यहां पे Al ऐसा कैपिटल में कभी नहीं होता, Al2O3 होता, ठीक है। ये यहां पे थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती, तो इस पे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। Al2O3 जो क्रायोलाइट के साथ बच्चा, ये जो Al2O3 जो होता है ना, Al3, ठीक है, जो एल्यूमिना बना हुआ है, इस एल्यूमिनियम को हम लोग किसके मिक्स करेंगे? क्रायोलाइट के साथ मिक्स करेंगे बच्चे, ठीक है। किसके साथ? क्रायोलाइट के साथ मिक्स करेंगे। और क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो क्या होता है? Na3Lf6। क्या बच्चा? Na3, ठीक है, Na3AlF6, Na3AlF6, ठीक है। इससे अपन क्या करेंगे बेटा? क्रायोलाइट से मिक्स करेंगे, क्रायोलाइट से हम लोग उसको मिक्स करेंगे, किसको? एल्यूमिनियम को, सॉरी एल्यूमिना को हम लोग क्रायोलाइट से मिक्स करेंगे। और बच्चे हम लोग क्या करेंगे? फ्लोर स्पार भी यूज करेंगे, फ्लोर स्पार में जिसका फॉर्मूला होता है CaF2। ये तीनों चीजों का हम लोग क्या करेंगे बेटा? एक कॉन्सेंट्रेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एक मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। जब मिक्सचर बनाएंगे तो क्या होगा? अब देखो ध्यान से सुनते रहना, जो एल्यूमिना होता है इसके पीछे मिलाने का भी रीजन है भाई, कुछ भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कुछ भी नहीं मिला रहे, ठीक है। इसके पीछे का प्रॉपर रीजन होता है कि यहाँ पे हम को यूज क्यों कर रहे हैं, समझ? बस शांति से सुनते रहना, सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। देखो ध्यान से सुनते रहना, हमको क्या मिला? हमको बेयर्स प्रोसेस से, ठीक है, बेयर्स प्रोसेस से बेटा अपन को क्या मिला? एल्यूमिना मिल गया, ठीक है, बेयर प्रोसेस से एल्यूमिना मिल गया। इस एल्यूमिना में अपन क्या मिला दिए? हम जो क्रायोलाइट और जो है फ्लोरिस्पार मिला दिए। फ्लोरिस्पार का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक प्रोसेस दिया गया है, कैथोड पर जो क्या होता है बेटा? आयरन क्या होता है? कंटेनर होता है, आयरन का जो कंटेनर है, मतलब एक डब्बा ऐसा रहेगा, ठीक है, एक डब्बा ऐसा रहेगा, इसको हम बोलेंगे कैथोड। इस कैथोड पर क्या होगा बेटा? जो कार्बन की लाइनिंग होगी, कार्बन की क्या होगी बच्चे? लाइनिंग। कार्बन की लाइनिंग क्या होती है? इस तरीके से ऐसे बना होगा, इस तरीके से ऐसा बना रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर, फिलहाल अभी समझ लो। इस तरीके से कार्बन की लाइनिंग होगी, ठीक है, इसको बोलेंगे। ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है बेटा, ये कैथोड की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह? कैथोड की तरह वर्क करने वाले, ठीक है। अब देखो जो हमारा एनोड होगा बेटा, वो उसमें क्या होगा? ग्रेफाइट, मतलब हम यहां पे लगाएंगे एनोड की ऐसी पन्नी लगा देंगे, सॉरी एनोड की नहीं, ग्रेफाइट की ऐसी पन्नी लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से ग्रेफाइट लगेगी। अब देखो इस तरीके से ये जो बड़े बड़े जो स्तंभ दिख रहे हैं बेटा, ये हमारे लिए क्या होंगे? एनोड की भांति कार्य करेंगे, एनोड की तरह काम करेंगे। तो आपको ये याद रखना है, हम लोग एनोड का क्या यूज करें बेटा? ये जो ग्रेफाइट जो है, ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को अपन लोग जो है एनोड की तरह काम कर रहे हैं। और जो ये जो आयरन है बेटा, आयरन ये हमारे लिए क्या है? कैथोड की तरह काम कर रहे हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? अब एक बात पे आते हैं प्यारे बच्चों, कि हम यहाँ पे जो है बेयर्स प्रोसेस में जो एल्यूमिना मिला है, यहाँ पे जो है फ्लोरिस्पार और जो है क्रायोलाइट आखिर क्यों यूज किए हुए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके पीछे का रीजन आप लोग को मैं बताऊंगा। जो एल्यूमिना होता है प्यारे बच्चे, जो एल्यूमिना होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब भैया, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पे जो मेल्ट होता है, ये जो मेटल मेल्ट होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, ठीक है, वो क्या होती है? बहुत हाई होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही होती है। मतलब भाई ये जो कितना होता है, लगभग 2200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। कभी कभी बुक्स में भैया 2005 ऐसा भी दिखा रहता है, 2050 भी दिखा रहता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, इतने जो है आसपास रहता है, मतलब 2200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस मेल्टिंग पॉइंट को हमको एनर्जी देना जो है बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, मतलब कि ये जो एल्यूमिना है इसी मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा? पिघलना स्टार्ट करेगा। तो इतनी एनर्जी अपन को देना जो है ज्यादा पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए क्या करेंगे? जो एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे बच्चा? कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब कम करेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ रिएजेंट तो हमको डालना पड़ेगा। तो वो रिएजेंट क्या है बच्चा? हमारे लिए जो है जो क्रायोलाइट है, वही हम ये क्या करेगा? क्रायोलाइट ही क्या करेगा बच्चे? ये जो है
हमको हेल्प करेगा एल्यूमिनियम को जो है मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए। तो ये क्रायोलाइट बच्चे में इस एल्यूमिनियम को जो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 2200 डिग्री सेंटीग्रेड है लगभग जो है, उसको कम करके बच्चे क्या होता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आ जाता है। मतलब इसके जो है मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है ये क्रायोलाइट। समझ में आया सारे बच्चों को? ठीक है, अब ये फ्लोर स्पार क्या कर रहा है सर, ये फ्लोर स्पार आखिर क्या करता है? फ्लोर स्पार को ध्यान से सुनते रहना बेटा, जो CaF2 जो लिखा हुआ है ना फ्लोर स्पार, ये फ्लोर स्पार करता है विद्युत जो चालक होती है। ठीक है, यहां पे हम डालेंगे, देखो अब सिंपल सी बात है, यहां पे ग्रेफाइट लगा है। अब ये पूरा प्रोसेस क्या है, विद्युत अपघटनीय प्रोसेस है। ठीक है, विद्युत अपघटनीय प्रोसेस, ठीक है, इसको समझना ध्यान से। जब विद्युत अपघटनीय प्रोसेस है तो यहां पे विद्युत धारा प्रवाह होगी। अब इतना हाई वोल्टेज जाएगा, 900 डिग्री सेंटीग्रेड भी हाई वोल्टेज जाता है ना भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, तापमान है ये, तो इसको भी हमको जो क्या करना है, विद्युत धारा जो होगी उसको स्पीड अप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्पीड अप करना पड़ेगा। तो स्पीड अप करने के लिए बच्चे हम लोग यहां पे लगाएंगे फ्लोर स्पार का, जो कि करता है विद्युत धारा को बेटा क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को स्पीड अप करता है। ठीक है, प्रवाह को बढ़ाता है। क्लियर सारे बच्चों को? ठीक है, देखो समझ में आया। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हैं, इसको आपको याद रखना प्यारे बच्चे। ठीक है, समझ में आया, ये सारे प्रोसीजर आपको सारी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट बताए, मोल्टन एनोड इज कलेक्टेड एट एनोड, मतलब हमको जो क्या बनेगा, जो एनोड पर, ठीक है, हमको जो एल्यूमिनियम मिलेगा वो क्या होगा, मोल्टन फॉरवर्ड में मिलेगा, मतलब पिघली हुई अवस्था में मिलेगा, द्रवित अवस्था जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं, तो उस फॉरवर्ड में मेरे को मिलेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखो फटाफट अपन यहां पे बात करते हैं, एक्चुअल हमारा जो है कंटेनर, हमारा जो है डायग्राम जो है कैसे बनता है, ध्यान सुनना बच्चा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, देखो ध्यान से देखते रहना, ये बेटा क्या पूरा हमारा लाइनिंग है, क्या है बच्चा हमारा लाइनिंग है, किसका, कार्बन का लाइनिंग। ठीक है, कार्बन का लाइनिंग जो ब्लैक कलर का दिखना बेटा, ये हमारा जो कार्बन के लाइनिंग है, मतलब ये पूरा जो लो आयरन है बेटा, ये जो पूरा सेटअप है वो क्या है, आयरन का है। क्या बच्चा, जो हमारा पात्र लिए हुए हैं वो किसका है, आयरन का पात्र है। किसका, आयरन, लोहे का पात्र। ठीक है, इस लोहे के पात्र में क्या लगा है, कार्बन की लाइनिंग लगी हुई है, कार्बन की लाइनिंग लगी हुई, लाइनिंग मतलब ऐसे अंदर में क्या है, तो एक परत होती है जिसको हम लाइनिंग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन की लाइनिंग लगी रहती है। ठीक है, कार्बन की लाइनिंग लगी रहती है। ठीक है, अब कार्बन की लाइनिंग जब लगी रहेगी, तो कार्बन की लाइनिंग लगी है, अब देखो यहां पे अपन क्या करेंगे, ये जो पूरा जो प्रोसेस है, जो कंटेनर डब्बा है, ठीक है, वो किसकी तरह काम करेगा, एज ए क्या करेगा बेटा, कैथोड की तरह काम करेगा, एज ए किसी तरह कैथोड की तरह काम करेगा। हाँ बच्चे, तो ये पूरा जो डब्बा है वो क्या करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा, पात्र जो पूरा कैथोड की तरह काम करेगा। अब एनोड की भांति मेरे को काम कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, हम लोग ग्रेफाइट डालेंगे। देखो बेटा, ये जो रॉड दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है ना, ब्लैक कलर का, वो बेटा एक है हमारे लिए जो है एक कैथोड है, सॉरी क्या है, एक ग्रेफाइट है। ठीक है, ये जो ग्रेफाइट की तरह हमको जो है मिलेगा, ये ग्रेफाइट बच्चे हमको एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एनोड की तरह काम करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे एनोड की तरह। ठीक है, एनोड, ये बच्चा ग्रेफाइट है ना, याद रखना, ये हमारे लिए क्या है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है, ये हमारे लिए क्या करेगा, एनोड की भांति काम करेगा। ठीक है, अब देखो यहां से मैं जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराऊंगा, प्लस माइनस चार्ज पे हम लोग जाए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराऊंगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराने पर फ्लोर स्पार क्या कर देगा, उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देगा, स्पीड अप कर देगा। अब देखो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, तो मतलब हमारा जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जब मेल्ट होगा ना प्यारे बच्चे, तो मेल्ट होगा तो देखो इसके अंदर क्या डाला हुआ है, इसके अंदर भी हमारे पास जो है, इसके अंदर ना प्यारे बच्चे, इसके अंदर डाला हुआ है एलुमिना, क्या डाला हुआ है, एलुमिना Al2O3। ठीक है, Al2O3 डाला हुआ है, प्लस क्या डाला हुआ है हमको, क्रायोलाइट डाला हुआ है AlF6, प्लस क्या डाला हुआ है बच्चे, इसके अंदर ही क्या डाला हुआ है हमारा जो है, फ्लोर स्पार भी डाला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से, तो हमको क्या बच्चे यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसीजर समझ आना चाहिए कि कैसे क्या चीजें कर रही है। ठीक है, ये पूरा हम मिक्सचर को जब डालेंगे इसके अंदर, तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराएंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराएंगे बच्चे, तो ये एल्यूमिनियम क्या होगा, डिकम्पोज होकर हमको जो है प्योर एल्यूमिनियम बच्चे, प्योर एल्यूमिनियम का जो है मोल्टन फॉर्म में मेरे को देगा। किस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में प्योर एल्यूमिनियम मेरे को, मोल्टन फॉर्म में मतलब द्रवित अवस्था में मेरे को प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा काम करता है। ठीक है, अब कैसे विद्युत अवस्था काम करेगी, कैसे काम करेगी, उसके ऊपर मैं वहां पे बात करूंगा, ध्यान से बस सुनते रहना सारी चीज को। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब ये सारी चीज है, इसको लिखते हैं कैसे, एक्चुअल ऊपर इसको बात कर लेते हैं। देखो एल्यूमिनियम का होता सीधे विद्युत अपघटन करने से भी दो कठिनाइयां आती है। पहला कठिनाई बच्चे कि भैया यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का जो गलनांक होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है, उसको अपन को कम करना पड़ेगा, किसकी हेल्प से, क्रायोलाइट के हेल्प से। ठीक है, दूसरी बात, एल्यूमिनियम विद्युत धारा का क्या होता है, कुचालक होता है, अतः, ठीक है, गुचालक होता है, अतः क्या होता है, केवल उसके जो है गलाकर अपघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके लिए अपन क्या डालेंगे बेटा, दोनों कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो है करते हैं क्रायोलाइट का यूज करते हैं, और साथ ही साथ बेटा हम लोग फ्लोर
बार का भी यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर है, की पॉइंट समझ आ गया। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। बच्चे केमिकल रिएक्शंस आखिर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हमको क्या बता रहा होता है। ठीक है, देखो एनोड पे, जैसे कि हम लोग विद्युत रासायनिक सेल की बात की थी कि एनोड पे क्या होता है बच्चा, एनोड पे इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिलीज होगा, निकलेगा, तो ध्यान सुनते रहना बस। ठीक है, देखो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ठीक है, रिलीज हुआ तो कहां पे, कार्बन। अब एनोड पे क्या बना हुआ है, एनोड कार्बन से ही बना हुआ है ना भाई। ग्रेफाइट क्या है हमारा, हमारा जो ग्रेफाइट है क्या, वो तो हमारा कार्बन ही है, तो कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेटा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और वहां से दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जब दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कार्बन क्या करेगा बच्चे, कार्बन जो है, कार्बन तो सॉलिड फॉर्म में ना, ग्रेफाइट जो सॉरी सॉलिड फॉर्म पे है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन जो है डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और मेरे को चार इलेक्ट्रॉन देगा। अब इसी चार इलेक्ट्रॉन को बेटा, ठीक है, चार से तीन इलेक्ट्रॉन को जो कैथोड होगा वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। मतलब यहां से हमारा जो एल्यूमिनियम है वो मेल्ट हो चुका है, हमारा एल्यूमिनियम जो है वो मेल्ट हो चुका है, और मेल्ट होने के बाद बच्चे क्या होगा, Al3+ चार्ज बनाए, Al3+ चार्ज बनाए, और तीन इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया, Al जो है एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया। किसमें बच्चा, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी होती है बेटा 3 होती है, इसलिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वो लिया। सिंपल सी बात है, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो समझ आया। अब देखो बच्चे, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन क्या कर रहा है बेटा, ठीक है, यहाँ पे हमको फ्लोरोस्पार भी यूज कर रहे हैं ना, तो फ्लोरोस्पार का भी कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा, तो फ्लोरोस्पार यूज करना मतलब उसमें F है, तो F बच्चे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेगा, F क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो F2F जो हमारे पास है बेटा, 2F जो है, F2+2 इलेक्ट्रॉन लेके जो है हमको 2F- चार्ज देगा। ठीक है, 2F माइनस चार्ज दे रहा है। समझ में सारे बच्चों को, सारे रिएक्शन जो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्लियर है। ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके। अब इस थोड़ा सा और कुछ लिखने का तरीके ऊपर मैं बात करूंगा बच्चे। ठीक है, अब देखो, हाँ बच्चे, तो ये सारी चीज आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी कि रिएक्शन आखिर कैसे होता है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे हम जो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर था, पूरा का पूरा जो बेयर्स प्रोसेस थे, पूरा का पूरा जो हमारा ठीक है विद्युत अपघटनी जो एल्यूमिनियम का जो विद्युत अपघटन का विधि था, जिसे हम लोग हॉल हेराल्ट मेथड बोलते हैं, वो यहाँ पे हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं। एक बात याद रखना प्यारे बच्चे, ठीक है, एक बात याद रख लेना, ये जो हॉल हेराल्ट प्रोसेस है ना, हॉल हेराल्ट प्रोसेस बोल रहा हूँ, ये जो है एग्जाम्स के अंदर बेटा आपको पूछेगा एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन विधि। ठीक है, विद्युत अपघटनी विधि को समझाइए। ठीक है, विधि को समझाइए, तो ये बोलेगा बेटा एग्जाम्स के अंदर ऐसे पूछा जाता है, डायरेक्ट जो है नाम से नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, डायरेक्ट कभी भी नाम से नहीं पूछेगा कि एल्यूमिनियम के जो है हॉल हेराल्ट प्रोसेस को समझाइए। तो आपको समझना होगा कि एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटनी विधि आपको पूछा गया है, मतलब आपको हॉल हेराल्ट प्रोसेस को ही पूछा गया है। समझ में आया सारे बच्चों? तो इस प्रकार से ये जो हमारा जो पूरा का पूरा जो है बेटा, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जो यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर जिन बच्चों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होगा ये लेक्चर, तो बच्चे आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में जो है वो मेंशन करोगे, और बच्चे जो बच्चा यहाँ पे नया होगा तो वो क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और बच्चे अपने दोस्तों तक जो है शेयर करोगे। ठीक है, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए जो है हिम्मत बनने वाली सारे बच्चों के लिए। ठीक है, क्लियर। तो जिस प्रकार से बच्चे आप लोग की जो है मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो इसी प्रकार से बच्चे हमको भी मोटिवेशन की जो है नीड होती है, तो आपका जो एक लाइक एक सब्सक्राइब बच्चे हम लोग को मोटिवेट करेगा। समझ में आया सारे बच्चों को? तो आप लोग बच्चे क्या करेगा, हमारी हेल्प करिएगा। ठीक है, कि हेल्प कैसे करोगे, जो बच्चे नया होगा वो क्या करेगा, कमेंट करेगा। ठीक है, कमेंट करेगा किस कैसा लगा ये लेक्चर, आप लोग बताइए। अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए रहेगी, किसी टॉपिक के अंदर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, तो उस टॉपिक के आप लोग वहां पे मेंशन करिए कि हमको इस टॉपिक के अंदर जो है दिक्कत आ रही है सर। अगर जिन बच्चों को कुछ भी दिक्कत है केमिस्ट्री के अंदर, तो वो बच्चे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर हमको क्या करेंगे, क्वेश्चंस डाल सकते हो। समझ आया सारे बच्चों को? तो इस प्रकार से बच्चे हम लोग ये पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम को यहां पे खत्म करते हैं। तो जाइए बच्चों, अच्छे से पढ़िए, ये लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।